सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सब 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाते हैं और आज हम सब भी हिंदी दिवस जो है वो यहाँ पर मना रहे हैं। तो हिंदी दिवस के सर्वप्रथम मैं आपको बहुत सारी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और हिंदी दिवस पर मैं अपने विचार जो है वो आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदी दिवस जो है सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, आज अगर हिंदी दिवस है तो हमने कुछ कार्यक्रम का आयोजन कर लिया या हमने हिंदी के बारे में बोल दिया या हमने निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता रख ली, है ना। तो इस तरह से हम हिंदी दिवस एक दिन के लिए मना रहे हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि क्या हम भारतीय होकर ये हिंदी दिवस के लिए हम एक दिन के लिए हम बैठेंगे कि हम आज हमारा 14 सितंबर हमारे समक्ष आएगा और हम हिंदी दिवस के रूप में उसे मनाएंगे? बिल्कुल नहीं। हिंदी दिवस तो हमें रोज ही मनाना चाहिए। कैसे मनाएंगे हिंदी दिवस हम रोज? हिंदी बोलकर, सुनकर और सिखाकर, है ना, कि हिंदी दिवस जो है वो हम रोज मना सकते हैं। कैसे मनाएंगे? बोलकर, सुनकर, सिखाकर, कि हम आने वाली पीढ़ी को भी यही बताएंगे कि हिंदी जो है वो बहुत अच्छी भाषा है, बहुत सुंदर भाषा है, बहुत मीठी भाषा है और इसे बोलने में बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। आज हिंदी जो है वो कहीं ना कहीं खो गई है। आप भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज हम हिंदी को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितना कि हम अंग्रेजी को देते हैं। आज हम भी अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं। आज हम ये चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा भी जो है वो अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी में पढ़े, अंग्रेजी में ही सीखे। तो हम ही सबसे पहले हिंदी को जो है वो क्या कर रहे हैं? सीखना बोलना बंद कर रहे हैं। तो हम कैसे अपने बच्चों को सिखा पाएंगे हिंदी का महत्व? तो आज 14 सितंबर के दिन, क्योंकि आज हिंदी दिवस है, आज हम सब मिलकर हिंदी दिवस मना रहे हैं और आज हम ये प्रण लेते हैं हिंदी दिवस के दिन कि हम सब मिलकर हिंदी बोलेंगे। एक हमारी जो एक राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, इसे हम बोलेंगे और लोगों को भी सिखाएंगे। अपने आने वाली पीढ़ी जो भी हमारी होगी उसको भी हम हिंदी भाषा का महत्व सिखाएंगे। एक जो मिठास है हिंदी भाषा को बोलने पर, जो हमारे हृदय में जो आनंद मिलता है हिंदी को बोलने से, उस आनंद की प्राप्ति हम सबके साथ करेंगे। सब मिलजुल कर जब हिंदी बोलेंगे, हिंदी भाषा को महत्वपूर्ण बताएंगे, तो आप ये बात देखेंगे कि हिंदी दिवस केवल 14 सितंबर को ही नहीं, फिर हम प्रतिदिन हिंदी दिवस मनाएंगे और हिंदी को एक महत्वपूर्ण भाषा, जो कि पहले से ही एक महत्वपूर्ण भाषा है, लेकिन उसको हम जन जन तक और उसको हृदय तक पहुंचाना है, उसको यह बताना है कि हिंदी जो भाषा है वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी मृदुल है, कितनी सुंदर है, कितनी मिठास इसमें भरी हुई है। तो आइए हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं कि हम हिंदी को जो है वो महत्वपूर्ण बनाएंगे और प्रतिदिन यही प्रयास करेंगे कि एक ही दिन क्यों, हम प्रतिदिन यही प्रयास करेंगे कि हम हिंदी को हिंदी दिवस के रूप में प्रतिदिन मनाएंगे। इसी के साथ मैं पुनः एक बार आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।